हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे लिटिल प्रिंस मूवी, जहां एक लड़की और एविएटर मिलकर एक खोए हुए प्रिंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं और हमें सिखाते हैं कि लाइफ में छोटी छोटी चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए मूवी को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मूवी शुरू होती है टाउन में बनी एक वर्थ अकेडमी से, जहां एक लड़की अपनी मॉम के साथ एडमिशन लेने आई है। इस लड़की को मूवी में लिटिल गर्ल बुलाया गया है और वो इस एडमिशन के लिए बहुत टाइम से तैयारी कर रही थी, लेकिन इंटरव्यू लेते वक्त टीचर सैंड टाइम पर क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं और इससे नर्वस होकर वो गिर पड़ती है। वो अपनी मॉम से इस गलती के लिए माफी मांगती है और वो लोग एडमिशन के लिए अपने प्लान बी को एक्टिवेट करते हैं। उसकी मॉम एकेडमी के पास एक नया घर खरीद लेती है ताकि उन्हें एकेडमी में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए और जल्दी ही वो अपने सामान के साथ वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ वो साथ ही बने एक अजीब से घर को नोटिस करते हैं, जिसमें एक सन की एविएटर रहता है और उसकी मॉम बताती है कि इसी वजह से उन्हें ये घर सस्ते में मिला है। फिर उसकी मॉम उसे एक चार्ट दिखाती है जिस पर उसकी आने वाली लाइफ का पूरा टाइम टेबल है और वो चाहती है कि इसे फॉलो करके वो एक आइडियल इंसान बन सके। लिटिल गर्ल भी इतना स्ट्रिक्ट प्लान देखकर चौंक जाती है, लेकिन उसके पास इसे फॉलो करने के अलावा कोई चारा नहीं है। आगे हम उसकी मॉम को अपने ऑफिस जाते हुए देखते हैं और वो बैकयार्ड में उस घर को चेक करने जाती है। तभी एक प्रोपेलर उड़ता हुआ उनके घर में आकर गिरता है और वो बूढ़ा एविएटर बिना उस पर ध्यान दिए उसे वापस ले जाता है। लिटिल गर्ल इसकी कंप्लेंट पुलिस में करती है और पता चलता है कि एविएटर ऐसी हरकतें पहले भी कर चुका है। डैमेज के बदले वो उस लड़की को एक जार देता है जिसमें ढेर सारे सिक्के रखे हुए हैं और वो उसे लेकर अपने घर आ जाती है। उसकी मॉम को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को उस एविएटर से दूर रहने को कहती है। रात को स्टडी करते वक्त उसके पास एक पेपर प्लेन आकर गिरता है जिसमें एक लिटिल प्रिंस की स्टोरी लिखी हुई है, जो अकेला स्पेस में एक छोटे से एस्ट्रॉइड पर रहता था। तभी वो एविएटर उसे बताता है कि मैं तुम्हें इसकी पूरी स्टोरी सुना सकता हूँ, लेकिन वो लड़की उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। अगली सुबह हम उसे अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हुए देखते हैं और फिर वो एविएटर के दिए उन सिक्कों को गिनने लगती है। यहाँ उसे जार में कुछ टॉयज मिलते हैं, जिनमें से एक है उस लिटिल प्रिंस का मॉडल, और ये देखकर उसे एविएटर की स्टोरी का ध्यान आता है। पता चलता है कि एविएटर बचपन से ही बहुत अकेला था और अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसने प्लेन चलाना सीख लिया ताकि वो दुनिया भर की सैर कर सके। फिर एक दिन सहारा डेजर्ट में उसका प्लेन क्रैश हो गया और वहाँ उसकी मुलाकात उस लिटिल प्रिंस से हुई। एक छोटे से बच्चे को अकेला देखकर उसे बहुत हैरानी होती है, लेकिन वो देखता है कि प्रिंस उसे अपने लिए एक शीप ड्रॉ करने को कह रहा है। कुछ सोचकर वो उसके लिए कुछ ड्राइंग्स बनाता है, लेकिन उनमें से प्रिंस को कोई पसंद नहीं आती क्योंकि वो एक ऐसी शीप चाहता है जो लंबे टाइम तक जिंदा रह सके। तंग आकर एविएटर एक बॉक्स ड्रॉ करता है और कहता है कि वो शीप इसी बॉक्स के अंदर है, और ये सुनकर प्रिंस खुश हो जाता है। इससे लिटिल गर्ल को बहुत उत्सुकता होती है और आगे की स्टोरी जानने के लिए वो छुपकर एविएटर से मिलने जाती है। वहाँ उसे उसका रेड प्लेन दिखाई देता है जिसे वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और वो उससे अपने मन में चल रहे सवालों के बारे में पूछती है। तब एविएटर उसे बताता है कि ये कहानी असल में सच पर बेस्ड है और प्रिंस एक एस्ट्रॉइड B612 पर रहता था। वो उसे लेकर अपनी लैब में आता है जहां वो लड़की एक वुल्फ टॉय को देखती है, और फिर एविएटर उसे बाकी स्टोरी सुनाने के लिए अपने साथ ले जाता है। आगे वो बताता है कि प्रिंस का प्लेनेट वैसे तो बहुत ही छोटा था, लेकिन वहाँ बाओबैब नाम के कुछ खतरनाक पेड़ उगते थे जिन्हें अगर नहीं काटा जाता तो वो उसके प्लेनेट को नष्ट कर देते। प्रिंस इसके लिए बहुत मेहनत करता था और इन्हीं पेड़ों को खाने के लिए उसे शीप की भी जरूरत थी। फिर एक दिन वहाँ पर एक रोज फ्लावर उगाया जो खुद को प्रिंस का दोस्त बताती थी। प्रिंस भी उसे पाकर बहुत खुश था और उसकी खूब केयर करता था, लेकिन धीरे धीरे रोज की डिमांड्स बढ़ती चली गई और इससे तंग आकर प्रिंस वहाँ से भाग निकला। लिटिल गर्ल को ये सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन एविएटर उसे बताता है कि घूम फिर कर उसे वापस रोज के पास ही आना पड़ेगा, और ये सुनकर लिटिल गर्ल खुश हो जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी मॉम के आने का टाइम हो गया है और वो तुरंत वापस घर आ जाती है। रात को वो छुपकर उस स्टोरी को कंटिन्यू करती है जिसमें प्रिंस आगे बढ़ते हुए एक दूसरे प्लेनेट पर आ पहुंचा है। वहाँ उसका सामना एक किंग से होता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पास किसी भी चीज को कंट्रोल करने की कोई ताकत नहीं है, और उदास होकर वो आगे बढ़ जाता है। अगले प्लेनेट पर उसे एक घमंडी आदमी मिलता है जिसे अपनी तारीफ करना बहुत पसंद है, और प्रिंस उसे भी दोस्त बनाए बिना आगे निकल जाता है।
फिर उसकी मुलाकात एक ट्रेडर से होती है जो स्टार्स की ट्रेडिंग करता है और उसे अपने पैसों के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है। प्रिंस को इन ग्रोन अप लोगों की थिंकिंग से बहुत निराशा होती है और दोस्त की तलाश में वो किसी और प्लेनेट की तरफ निकल जाता है। इधर लिटिल गर्ल भी अपनी मॉम में वही क्वालिटीज देखती है और एविएटर को बताती है कि मैं बड़ी होकर ऐसा बिल्कुल नहीं बनना चाहती। तब एविएटर उसे बताता है कि बड़ा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंसान को अपने पैशन को नहीं मारना चाहिए, वरना वो खुद को हमेशा अकेला ही फील करेगा। आगे हम उन दोनों को खूब मस्ती करते हुए देखते हैं और एविएटर उसे आगे की कहानी सुनाता है। इस बार प्रिंस उड़ता हुआ एक बड़े से प्लेनेट पर आता है और एक स्नेक उसे बताता है कि तुम इस वक्त प्लेनेट अर्थ पर हो। प्रिंस उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर स्नेक कहता है कि तुम मेरे दोस्त बनने के लिए बहुत कमजोर हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता हूँ। फिर एक लंबा रास्ता तय करके वो एक जंगल में आता है जहाँ उसे एक फॉक्स दिखाई देती है। पहले तो वो उस प्रिंस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती, लेकिन फिर उसकी मासूमियत देखकर वो उसकी दोस्त बनने को तैयार हो जाती है। उसके साथ घूमते हुए प्रिंस एक गार्डन में आता है और देखता है कि वहाँ उसके रोज जैसे ही हजारों दूसरे फूल हैं। ये देखकर उसे अपने रोज की बहुत याद आती है और फॉक्स उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें उसके पास वापस चले जाना चाहिए। फिर वो उसे एक सीक्रेट बताती है कि तुम्हें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और इसी से तुम लाइफ की हकीकत को समझ सकते हो। तब लिटिल गर्ल उससे प्रिंस और रोज की मुलाकात के बारे में पूछती है और एविएटर बताता है कि सच्चा प्यार करने वाले जरूर मिलते हैं। फिर वो उसे अपना आगे का प्लान बताता है कि मैं लिटिल प्रिंस को ढूंढने जाने वाला हूँ और ये सुनकर लिटिल गर्ल उदास हो जाती है। वो कहती है कि प्रिंस के पास तो अपने रोज का साथ है, लेकिन अगर तुम चले गए तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। उसे उदास देखकर एविएटर उसे पैनकेक्स खिलाने का प्लान करता है और वो उसकी पुरानी गाड़ी लेकर मार्केट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में पुलिस उन्हें रोक लेती है और ऑफिसर लिटिल गर्ल को लेकर उसकी मॉम के पास ले आता है। उसकी मॉम इस लापरवाही के लिए उस पर बहुत गुस्सा होती है और लिटिल गर्ल उन्हें समझाती है कि एक टाइम टेबल उसकी लाइफ का फैसला नहीं कर सकता और अब वो इसे अपने तरीके से जीना चाहती है, लेकिन मॉम उसकी एक नहीं सुनती और उसे अपने एडमिशन के लिए फोकस करने को कहती है। लिटिल गर्ल को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है और वो एक बार फिर अपने रूटीन में बिजी हो जाती है, लेकिन अभी भी वो उस प्रिंस को नहीं भुला पाती और छुपकर उसकी स्टोरी को कंटिन्यू करती है। वहाँ एविएटर अपने प्लेन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो लोग इस जगह से बाहर निकल सके और तब प्रिंस उसे सजेस्ट करता है कि हमें यहाँ पानी की तलाश करनी चाहिए। वो दोनों डेजर्ट में और आगे बढ़ने लगते हैं और प्रिंस की बातें एविएटर को बहुत इम्प्रेस करती हैं। जल्दी ही उन्हें पानी का एक कुआं मिलता है और वहाँ प्रिंस उससे पूछता है कि एक रोज मिलने से मुझे सारी खुशियाँ मिल गई थी, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो काफी सारे रोज हैं, तो फिर इंसान खुशियाँ क्यों नहीं ढूंढ पाता। और ये सुनकर एविएटर भी सोच में पड़ जाता है। उधर लिटिल गर्ल के दिमाग में भी यही सब चल रहा था और फिर कुछ सोच कर वो एविएटर से मिलने जाती है और बताती है कि मैं भी लिटिल प्रिंस को ढूंढने तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तब एविएटर उसे स्टोरी की एंडिंग के बारे में बताता है कि कैसे प्रिंस अपने रोज के पास वापस जाना चाहता था और इसके लिए उसने अपने स्नेक फ्रेंड से मदद मांगी। एविएटर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रिंस जानता था कि उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं है और अब उसे यहाँ से जाना ही होगा। फिर वो एविएटर से अलविदा लेकर आगे बढ़ गया और स्नेक के काटते ही उसकी स्पिरिट आजाद हो गई। लिटिल गर्ल को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि कहीं प्रिंस अपनी रोज तक ना पहुंच पाया हो या फिर वो अभी भी अकेला ही कहीं भटक रहा हो। एविएटर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस एंडिंग से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और स्टोरी से रिलेटेड सभी चीजों को खुद से दूर कर देती है। आगे का सीन कुछ टाइम बाद का है जहाँ वो एविएटर के घर एक एम्बुलेंस को देखती है। उसकी मॉम के रोकने के बावजूद वो उसके पीछे हॉस्पिटल तक जाती है, लेकिन नर्स उसे अंदर नहीं जाने देती और हार कर उसे वापस घर आना पड़ता है। वहाँ वो प्रिंस के उस मॉडल को देखती है और कहती है कि एविएटर के लिए मुझे तुम्हें ढूंढना ही होगा। छुप कर वो एविएटर के प्लेन तक जाती है जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है और वहाँ अचानक उसका वुल्फ टॉय जिंदा हो जाता है। फिर चाबी घुमाते ही एक ऑटो सिस्टम प्लेन को अपने आप लॉन्च करता है और वो बादलों से होते हुए सीधा स्पेस में आ जाती है। वो देखती है कि आसमान में एक भी स्टार नहीं है और दूर उसे चमकता हुआ एक प्लेनेट नजर आता है। वो किसी तरह प्लेन को उसके करीब ले आती है और दूरबीन से देखने पर उसे प्रिंस के जैसा एक आदमी दिखाई देता है।
उसे चेक करने के लिए वो प्लेन को नीचे लैंड करती है, जहां उसका सामना एक पुलिस ऑफिसर से होता है जो असल में स्टोरी वाला वो घमंडी आदमी है। वो किसी तरह बचते हुए उस बिल्डिंग तक आती है और देखती है कि स्टोरी वाला किंग यहाँ लिफ्ट मैन बना हुआ है। आगे वो प्रिंस से मिलने जाती है, लेकिन पता चलता है कि वहाँ तो एक अडल्ट आदमी है जो इस बिल्डिंग में जनरेटर का काम करता है। तभी उसके हाथ उस आदमी का आईडी कार्ड लगता है जिसमें उसका नाम है मिस्टर प्रिंस, और वो समझ जाती है कि यही उनका लिटिल प्रिंस है। वो उसे उसकी असलियत बताती है, लेकिन प्रिंस को अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं होता और वो लिटिल गर्ल को वॉर्न करता है कि यहाँ बच्चों को आना बिल्कुल अलाउड नहीं है। फिर कुछ सोच कर वो उसे अपने साथ एक फैक्ट्री में ले जाता है जहाँ का मैनेजर दिखने में वर्थ अकेडमी के टीचर के जैसा है। वो भी एक बच्चे को वहाँ देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि तुम एकदम सही जगह आ गए हो। ये जगह असल में ट्रेडर की बनाई एक फैक्ट्री है जहाँ फालतू चीजों को जरूरी सामान में बदला जाता है, और हम देखते हैं कि उन लोगों ने एविएटर के प्लेन को भी पकड़ लिया है। आगे टीचर उसे क्लासरूम नाम की एक मशीन के पास लाता है और बताता है कि यहाँ हम बच्चों को बड़ा बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने प्रिंस को भी बनाया था। फिर वो उसकी स्टोरी और वुल्फ को एक डस्टबिन में डाल देता है और उस पर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। प्रिंस यहाँ गलती से डस्टबिन से टकरा जाता है और उसमें उसे एविएटर की बनाई वो ड्रॉइंग्स दिखाई देती हैं, जिसमें उसका बनाया वो शिप बॉक्स भी है। इससे उसकी सारी यादें वापस आ जाती हैं और वो लिटिल गर्ल को बचाकर मशीन में उस टीचर को भेज देता है। फिर वो उसे एविएटर की ओरिजिनल ड्रॉइंग दिखाता है और लिटिल गर्ल कहती है कि अब हमें तुम्हारे प्लेनेट को बचाने जाना होगा। आगे वो लोग फैक्ट्री में रखे अपने प्लेन तक आते हैं जिसे एक मशीन क्रैश करने वाली है, लेकिन वो किसी तरह उसे बचा लेते हैं। तभी उनकी नज़र एक ग्लास वॉल पर पड़ती है जिसमें आसमान के सारे स्टार्स कैद हैं, और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए वहाँ फैक्ट्री का मालिक ट्रेडर आ जाता है। ट्रेडर बताता है कि ये सब स्टार्स उसी ने चुराए हैं और इनकी पावर इस प्लेनेट को चलाने में उसकी मदद कर रही हैं। उसे लगता है कि इस तरह वो बेकार पड़ी चीजों को यूजफुल बना रहा है और ऐसा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। वो ऑफिसर से लिटिल गर्ल को वापस क्लासरूम में ले जाने को बोलता है और प्रिंस को एक फेलियर बताकर उसकी बहुत इंसल्ट करता है। तब प्रिंस उसे बताता है कि मैं एक फेलियर नहीं बल्कि लिटिल प्रिंस हूँ और मुझे तुम्हारी नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो सब लोग हंसने लगते हैं और उनका ध्यान भटकते ही वो तीनों भागकर अपने प्लेन में चढ़ जाते हैं। फिर लिटिल गर्ल एक तलवार लेकर उस फोल्ड को तोड़ डालती है और वहाँ कैद स्टार्स के साथ साथ वो लोग भी फैक्ट्री से बाहर निकल जाते हैं। इससे ट्रेडर का पूरा प्लेनेट बंद पड़ जाता है और वो तीनों उड़ते हुए प्रिंस के प्लेनेट तक आ जाते हैं जिसे बॉबवेब ट्रीज ने जकड़ लिया है। वहाँ उन्हें प्रिंस की रोज मिलती है जो बिना मॉइस्चर के मर चुकी है, और ये देखकर उन दोनों को बहुत दुख होता है। तभी अचानक वहाँ सनराइज होने लगता है जिसके अंदर प्रिंस को रोज की झलक दिखाई देती है, और एक ही झटके में उसके साथ साथ उसका प्लेनेट भी पहले जैसा हो जाता है। प्रिंस को फॉक्स की बताई एडवाइस याद आती है और वो समझ जाता है कि दिल से याद करने पर रोज उसकी मदद करने आई है। फिर वो लिटिल गर्ल से एविएटर को अपना मैसेज देने को कहता है और उसके बर्ड्स लिटिल गर्ल को लेकर अर्थ की ओर निकल जाते हैं। सुबह उसकी मॉम उसे चेक करने रूम में जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो ऑलरेडी अपने घर वापस आ चुकी है और स्कूल जाने की तैयारी कर रही है। रास्ते में वो एविएटर से मिलने हॉस्पिटल में जाते हैं और वो उसे अपने और लिटिल प्रिंस के एडवेंचर के बारे में बताती है। फिर वो उसे एक बुक गिफ्ट में देती है जिसमें उसकी स्टोरी के सारे पेजेस हैं, और ये देखकर एविएटर उसे गले से लगा लेता है। उसकी मॉम भी इन सब के लिए एविएटर का शुक्रिया अदा करती है और अपनी बेटी के पैशन की भी रिस्पेक्ट करने लगती है। एंड सीन में पता चलता है कि उसका वर्थ अकेडमी में जाने का सपना भी पूरा हो गया है, और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।